आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया तो क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत अच्छा, एकदम चंगे चंगे रहेंगे? क्या पॉकेट में बहुत पैसा आ जाएगा? दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाया गया बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। जिस दिन हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया, ताकि हमारा जो पाप का शरीर है, मतलब पाप करने के लिए उकसाता है यह शरीर, क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ मतलब यूजलेस, बेकार। और अब से हम पाप के गुलाम नहीं है, वी आर नो मोर स्लेव टू सिन। हम पाप के बंधन या जो पकड़ा जकड़न रहता है ना, उसमें नहीं है। हम हो सकता है कि कुछ बुरे आदतों में फंसे होंगे, वहाँ से छूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हम छूट नहीं पा रहे। आप सोचेंगे कि पाप ज़्यादा ताकतवर है, बट धोखे में है, क्योंकि पाप ताकतवर नहीं है। अब यीशु मसीह आपका जीवन में रहता है तो आप पाप का वो जो गुलामी है जिसमें आप जकड़े हुए हैं, उससे छूट गए हैं। ये जो पुराना जॉन है, खराब सा जिंदगी वाला, पाप से भरा हुआ काला जिंदगी वाला, वो जो जिसका फेस बाहर से तो बड़ा शाहरुख खान जैसा लग रहा था सेल्फी ले लेकर, लेकिन इनवर्ड जिसका अंदर खराब था, वो जॉन यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया और उसका पाप का स्वभाव यीशु मसीह के साथ वहां खत्म। लेकिन अब जीवित हो उठा यीशु मसीह के साथ नया जॉन, जो प्रभु यीशु मसीह में नया सृष्टि है, वो आ गया है। ये वो जॉन है जो परमेश्वर का बेटा है। आपको समझ में आ रहा है? पौलुस बोलता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया और अब मैं जिंदा नहीं हूं। द डे यू एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, यू आर डेड टू सिन। आप जी उठे हैं यीशु मसीह के साथ और यीशु का नया स्वभाव के साथ, एक नया सृष्टि। जब आप उस वचन को इंग्लिश में पढ़ोगे, 2 Corinthians 5:17, वहां पर लिखा है ऑल हैज पास अवे। पास अवे मतलब क्या होता है? मर जाना, खत्म। न्यू हैज कम, HAS, हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब यह है कि अब नया सृष्टि आ चुका है। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और इस समय बोले, आप प्रभु यीशु मसीह में नए सृष्टि हो। आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया तो क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत अच्छा, एकदम चंगे चंगे रहेंगे? क्या पॉकेट में बहुत पैसा आ जाएगा? तो जब आप यीशु मसीह के बच्चे बन गए, बाइबल में लिखा है, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया या उस पर विश्वास किया है, वो परमेश्वर के संतान बन गए हैं। मेरा मतलब, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति का हो, सबको पवित्र आत्मा पिलाया गया। मतलब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसी समय से रहने आ गया। आप ऐसा मत सोचना कि पवित्र आत्मा बुलाएंगे तो आएगा, पर उसी समय से, जिस समय आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बोला कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं अपना जीवन सौंपता हूँ, उसी समय से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर में रह रहा है। आपका शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया है। जैसे ही पवित्र आत्मा आप में रह रहा है, आप क्या हो गए? अब इस संसार के नहीं रहे, अब परमेश्वर के हो गए हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आपके अंदर में आत्मा का और शरीर का जो इच्छा है, दोनों के बीच एक संघर्ष है, लड़ाई है। इसको समझने के लिए कोशिश करना, ये काला वाला इसको मान लो ये शरीर है, ठीक है, शरीर का इच्छा। जब आप पढ़ेंगे गलातियों 5:19-20 पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि शरीर का काम या शरीर का इच्छा क्या है। आप रोमियो पढ़ेंगे तो वहां पर भी 1-2 अध्याय में शरीर के काम या पाप के बारे में लिखा है। तो ये जो पाप का स्वभाव इसमें काम कर रहा था, ये तो जरूर यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो पाप का स्वभाव हमें काम कर रहा है, हमारा अंदर में संघर्ष चल रहा है। ये क्या है? शरीर के द्वारा चलाया गया व्यक्ति, ये पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया व्यक्ति। कि मैं चाहता तो हूं कि अच्छा काम करूं, पर अच्छा काम मुझसे बन नहीं पड़ता और बुरा ही हो जाता है। आपको समझ में आ रहा? जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिए, अब आपके अंदर में एक संघर्ष है। कभी
ये वाला आगे बढ़ जाता है, कभी ये वाला आगे बढ़ जाता है। ये संघर्ष प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद होता है। उसके पहले सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, क्या बड़ा बात है, कुछ नहीं जाता, कोई नुकसान नहीं, ऐसा महसूस होगा। लेकिन आपने यीशु को ग्रहण किया है, अब आपके अंदर में एक लड़ाई शुरू हो गया है, क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं रहे, आप अब परमेश्वर के हो गए हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में कंट्रोल करेगा धीरे 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 धीरे, और आपको अपने इच्छा से चलाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप हो सकता है कि पवित्र आत्मा को पीछे कर दे या उसको दबा दे, उसकी इच्छा को नीचे कर दे और इस काला वाला को आगे कर दे, हो सकता है, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है, आप किसे अधिक समय देते और किसे अधिक चाहते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर या हमारे जीवन में फल का असर रखता है। ये फल क्या है, मतलब हमारा जीवन, हमारा लाइफ फ्रूटफुल होना है, विक्टोरियस क्रिस्टल लिविंग होना है। तो परमेश्वर हमारा लाइफ को देखता है कि भाई सुमित, इसका जीवन में फल है कि नहीं। फल मतलब ऐसा फ्रूट जो परमेश्वर आशा रखता है कि एक चेला होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते उसका जीवन में दिखे। आत्मा के फल, क्या इसके अंदर प्यार है, क्या इसके अंदर दया है, क्या आत्मसंयम है, सेल्फ कंट्रोल है, देखता है परमेश्वर और वो चेक करता है। जब देखता है कि फल नहीं रहा है, फ्रूट नहीं आ रहा है, हम चेला नहीं बन रहे हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, जब एक पौधा हम देखते हैं ना, पौधा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ के रुक जाता है, फिर क्या करता है किसान, हाँ छांटता है। क्यों छांटता है, ताकि वो बढ़े। अगर हम पौधा को नहीं छांटेंगे, प्रूनिंग कट या कटिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ठीक से उसका ग्रोथ नहीं होगा, दर्द होता होगा ना पौधों को। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ग्रोथ नहीं होता आत्मिक रूप से, तब परमेश्वर हमें भी काटता छाटता है, तकलीफ होगा, दर्द होगा। हो सकता है कि कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसा आए जिससे हम निराश होने लगे, पर उस समय परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और उस समय भी वो आपको सिखाना चाहता है। अगर आप ध्यान से अपना जीवन और सब कुछ को, परिस्थिति को देखेंगे, आप समझेंगे, ओ मुझे परमेश्वर यहाँ ये सिखाने के लिए रखा था, वाओ प्रेज गॉड, आप ऐसा महिमा करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे दर्द तो हुआ, लेकिन कुछ साल बाद आप देख रहे हैं पीछे मुड़कर अपना जीवन को, वाओ मैं वहां से यहाँ कैसे आ गया, मैं तो बढ़ गया, आपको ऐसा हैरानी होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको काटता है छाटता है। और वो कब छाटेगा, जब आप छाटने के लिए तैयार है, प्रभु जी छाट दीजिए, काट दीजिए, जो करना है कर लीजिए, तब प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको फलदायी बनाएगा। अब तुम परमेश्वर के हो तो संसार तुमसे बैर रखने लगा है, इस बात को जान लो, आप परमेश्वर का परिवार में एक मेंबर हो गए, ओके, उस स्वर्गीय फैमिली में एक मेंबर हो। तो इससे क्या हुआ है, आपने ऊपर दोस्ती कर लिया है, लेकिन जहां दुनिया में रह रहे हैं ना, वो लोग तो प्रभु को ग्रहण किए हुए नहीं है, तो क्या हो गया, अचानक से आपका जो थिंकिंग है, सोच है, वो बदल गया। और यहां जो लोग साथ में है, हमारे रूममेट हो, हमारे साथ में दोस्त है, हमारे साथ में हमारे चर्च के मेंबर है, हमारे साथ में हमारे फैमिली मेंबर्स है, सभी लोगों का साथ में जो थॉट है, जो विचार है, वो मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, मैच नहीं करेगा, तो क्या होता है, तकलीफ होगा, थोड़ा सा फाइटिंग हो जाएगा, तो आपको संघर्ष महसूस होने लगेगा। क्यों, क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन आपके फ्रेंड्स मना करेंगे या फिर रोकेंगे। पहले ये लड़का कर रहा था चीटिंग, अब जब बैठा एग्जाम में, प्रभु चीटिंग करने मना किया है, अब मैं चीटिंग नहीं करूंगा। इससे पहले जो उसका दोस्त था, दोनों साथ मिलकर चीटिंग किया करते थे, अब बोलने लगा बाहर देख लेंगे तुमको, क्योंकि तुम पूरा एग्जाम में दिखाया नहीं, दोस्ती खतरे में। या फिर पहले पापा मम्मी ने कुछ बात के लिए घूस दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन अब कुछ सर्टिफिकेट बनाने का बात आया,
तो तुम बोलते हो कि नहीं अब मुझे घूस नहीं देना है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये गलत है बाइबल के अनुसार। जहां बाइबल लाया दोस्ती खत्म। वो लोग भी गुस्सा, फिर वो लोग बोलने लगेंगे तुम आजकल बहुत बदल गया, पास्टर हो गया है, ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा जो विचार है अब क्या हो गया है, वो स्वर्गीय परमेश्वर से मैच करता है। अब तुम परमेश्वर में नए हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, यह संसार तुमसे बैर करेगा, दुश्मनी। यीशु मसीह को भी नहीं समझा, तुम्हें भी नहीं समझेंगे, यह होने वाला है। आज जैसे आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, शुरू हो गया। आत्मिक रूप से हम कैसे बढ़ेंगे, इस बात को आप जान लीजिए।